ऐसी जगह है, उसने मेरा बाइट करा और अब मैंने दूध पी लिया, हाथ तो मच चुका है, मैं क्या करूँ, चीज़ दूध से बनी हुई इस्तेमाल नहीं करूँ। तो भाई सारयानु नमस्ते सुबह दी, और दोस्त दे काट लिया सांप ने, तो उन्होंने देखने चल दें, उते पूछ दें की होया उदे साथ, कैसे कैसे हुई, तो हूँ तो ठीक बताईदा। तो आज है सोमवार, जल चढ़ा दें अपने भोले शंकर पे, और व्रत भी है मेरा, मैं रखदा सोमवार का पिछले एक डेढ़ महीने से। मम्मी कपड़े धो रही हैं, तो सारे कपड़े गंदे होए पड़े थे, तो धोए हैं। तो हूँ मैं थानू अपने गाँव का मंदिर दिखा दिना, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, और ऐसी पिंडी थोने देखी भी नहीं होनी थी, इतनी बड़ी पिंडी है। तो चलो चलते हैं फिर। आए गए अपने दोस्त दे दोहरे नू, परांठे रखे हैं, चला रहा फोन है। अरे भी खाना पीना तो जरूरी है ना, खाना पीना तो जरूरी है भाई, पराठे पराठे इंतजार देख रहे हैं भाई। सोस ले गाऊं मैं एक मिनट, रुक लिया तो पहले खाने हैं परांठे, परांठे खा रहे हैं और बाद में लेने इंट्रोडक्शन मेरा है, फिर देखते हैं, फिर पूछते हैं की होया, कैसे कैसे इकट्ठा सा आपने। तो भाई व्रत था मेरा, अब मैंने खा लिए परांठे ऐदी साथ, अब मैंने ध्यान दिया नहीं कि व्रत है मेरा, और आएगा परांठे खा लिए और टूट गया व्रत। अब ऐते पूछते हैं कि कैसे कैसे कट्ठा सांप ने, की होया ऐदी साथ। शनिवार का दिन था, शाम की बात थी, और मैं जिम विम करके अपने घर आया था, खाना वाना खाए के साइड ताऊ के घर कई एक मुंडे बैठे थे गेट, तो वो गेम सेम खेल रहे थे। तो गेम खेलने के बाद मैंने सोची मैंने चलो हो गया उन्होंने पास, तो साढ़े गेट के बाहर जो है एक रास्ता है, उसकी दूसरी तरफ खेत है। लो मैं थानू दिखा दिंदा कितना कट्ठा था, आ दिख रही है थानू स्लेप सी पड़ी है, एक खड़ंजे के दौरे बिल्कुल ए सामने स्लेप के नीचे तो निकल के आया था। इत कट्ठा था आ जो देख रहे हो तुम, इटा इतने इतने तो निकल के आया था। तो फिर जो है उसने जैसी मैं बाहर गया, तो उसके बाद जाने के बाद मैंने कुछ पता नहीं लगा कि हाँ भी इतने सप भी हो सकता है, क्योंकि अंधेरा हो रहा था उत्थे। जैसी मैं अपने घर से बाहर निकला, उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड पे जो साढ़े ताऊ का घर पड़ता है, जैसे घर से बाहर निकलते हैं, तो मैंने जो जाने की कोशिश करी था, उत्थे ही उन्होंने घर के पीछे एक छोटा सा स्लेप है, उस स्लेप के अंदर शाम को जो है मेंढक इकट्ठे हो जाते हैं, जिथे कि वो सप जो मेंढक जो है कीड़ा नु खाने के लिए आते हैं, और मेंढक नु सप खाने आता है। तो जी मैं उत्थे बैठा था, अपने घर से बैठा था, फिर तुरंत चल दिया उधर तरफ नु, और वो सप जो है जैसे मैं उस स्लेप के पीछे पहुंचा, तो मेरी जो है उंगलियां के ऊपर नु इत्थे लाओ सप, केवल मैनू जो है इतना महसूस होया इस जगह उसने मेरा बाइट करा इत्थे, पर इत्थे फिर कट लगाया था। हाँ, जो निशान लगे हुए हैं, बड़ा निशान जो है मेरे चाचा ने मारा था, और छोटा ताऊ के मुंडे ने मारा था, तो बहुत ज़्यादा खून निकला निशान लगने के बाद। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं अपने इधर पहुँचा, जैसे पैरा पैन उतरा, तो गाँव का मुंडा बैठा था, मैंने उसे कही कि भाई यार मेरे ऐसे ऐसे सब उतर गया पैर के ऊपर नू, तो इन्हें कट तो नहीं लिया मेरा। तो उसने कहीं देख लिया कभी कट लिया हो, क्यों कटने का मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उन्हें मेरा कट लिया। तो जैसे ही मैं जाए के इधर बैठा, बस तेनों ऐसा लगा हो कि पैर ते होके गया, पैर ते होके गया। तो मैं जैसे ही बैठा एकदम से, बैठने के बाद जैसे मैंने अपनी उंगलियों के ऊपर इस तरीके के निशान वो हाथ धरे, तो उदियाँ जो है दो खून दियाँ दो बूंदा एकदम तो जो है ऊपर आ गई। तो जैसी दो बूंदा खून दियाँ ऊपर आई, तो मैंने फिर जो है एकदम भज के घर में आ गया, फिर मैंने कभी इन्हें तो कट लिया मेरा। कटने के बाद जो है फिर जो भी सीन होया, एकदम घर बंद लगा दिया इन्होंने घरदाना है, और दो तीन जगह, और चाचा ने चीरा वगैरह मार दिया। फिर एकदम एक हैबतपुर गांव पड़ता है इधर जोए की साइड, जोया टोल ते भी सीधा एक रास्ता जाता है हैबतपुर सलारपुर नू जो उदे पास है।
चक बदोनिया गांव है उसके करीब, और दो तीन गांव और पड़ते हैं जो टोल प्लाजा पड़ता था जो है वाला। हाँ NH09। हाँ NH09 जिदा की हम संख्या बदल दी है, पहले से NH24 था। हाँ ता जो है उस उत्थे ते रास्ता जाता टोल दे दोहरे थे बिल्कुल। ता वो गांव है बहुत बढ़िया, लोग थे मुस्लिम लोग थे उना दा मैं नंबर भी डाल दूंगा, और भी कोई थानू जानकारी लेनी हो तब कमेंट कर दियो। उत्थे जो है मैंने ले गए, और उसके बाद जो भी हुआ तुसी वीडियोस देख लियो, हम थोड़ी बहुत एक मुंडे ने वीडियो बना ली थी झाड़ा वाड़ा लगता है तो हम तुसी देख लियो। तो भाई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही ठीक करूँ, सांप दा कट्ठा होया अपने गांव के भीतर है, तो बतेरे जुगाड़ रहते हैं, बतेरे लोग जानते हैं की करना है। और ए भीतर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नीम के पत्ते खुला देंगे, खुलाते रहते हैं। उना दा आ मतलब नहीं है कि नीम के पत्ते खुलाते रहो, नीम के पत्ता का तो आ मतलब है कि दो पत्ते उन्होंने खुला के दिखाओ, देखो कि उदा टेस्ट बिगड़ा तो नहीं। टेस्ट अगर पत्ता दा चला गया ता है थोड़ा खतरा, जहर चढ़ गया। और दे पत्ता की बात बताना, ऐसा हुआ था जब मैंने घर में पत्ते खुलाए थे तो वो कड़वे लग रहे थे, और जैसे ही इन्होंने कट मारा था मेरे तो मेरे ऐसे जो गुठे थे बिल्कुल काला खून निकला था जिस टाइम इन्होंने कट मारा था। जिस टाइम कट मारा था मैंने पता लग गया भी ब्लड के अंदर मिल गया, क्योंकि आज जो रक्त के थक्के जमने लग स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड जो है काला हो जाता है, क्योंकि मैंने देख रखा है यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी है यदियाँ। तो उसके बाद जो है मैं थोड़ा डर गया था, परसीने नहा गया था, फिर उसके बाद जो है बंद बंद लग के एकदम चला गया। और फिर नीम के पत्ते जो मैंने दे दिए थे, मैंने पता नहीं था कि नीम के पत्ते जो केवल टेस्ट करके देखने होंगे खाने होंगे, मैंने इतने ज़्यादा नीम के पत्ते खा लिए थे कि मैंने कई दिनों तक नीम के पत्ता दी डकार आती रही। तो भाई मैं आई बता रहा कि ऐसा सिर्फ टेस्ट देखना होंगे, दो पत्ते लो उदा टेस्ट देखो और थुक दो, खाने नहीं है, खाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर जो है उसके बाद जो है नीम के पत्ते मैंने दे दिए थे, तो मैं गड्डी खाँदा चला गया उत्थे तक, गड्डी भजाई बहुत बहुत तेज, गड्डी दी ता रेल बना दी उस दिन, बिल्कुल मिनटां च ही पहुंच गए थे एकदम, क्योंकि भी कट्टा था पहली बार, क्योंकि पता ही नहीं था कि की रिएक्शन होंदा बॉडीज की नहीं होंदा। वो उन्हां दा प्रोसेस आई है कि भी वो अपने गुरु नूं मनदे हैं और मंत्र वंत्र लैंदे हैं, और उसके बाद जो है जैसे बॉलिंग करता है ना एक आदमी इस तरीके से पानी भरते हैं डिब्बे च और मग्घे च मारते हैं गुर्दे च, बिल्कुल हुण तां खैर निशान भी ठीक हो गए, पहले बहुत ज्यादा निशान थे दिख रहे हैं उन भी। हाँ बहुत कम दिख रहे हैं उन तक, लेकिन सारी बाहों पीछे इधर वो हो गई थी, मतलब भर गई थी निशान आते। पर एनादा एक नियम है मैं बतावा, एनादा आ नियम है, अगर थोने डॉक्टरी इलाज कराया है पहले और फिर एना पे जा रहे हो तो ऐ मने करते हैं। हाँ ऐ कहते हैं कि या तो डॉक्टरी करा लो या साते करा लो। एनादा मनना है कि अगर तुसी साडे पे विश्वास रखते हो केवल इलाज का जो है, कोई भी दूध से बनी जो भी सब्जी हो चाहे कुछ भी जो जिसके अंदर दूध इस्तेमाल सब्जी होगी, सब्जी का कहना मतलब मेरा है कि जो भी दूध से बनिया है, जो कि अपन बनाने हैं पनीर हो गया और चीज़ें होनी है, आज चीज़ जो है 20 दिन तक कोई भी चीज़ दूध से बनी हुई इस्तेमाल नहीं करनी। उनकी वजह था उन्होंने 8-10 दिन बाद जो है उन्होंने मित्र कही थी कि दूध का प्रयोग आपको 8-10 दिन बाद करना है। 8वां 10वां दिन ही था मैंने यूज़ करने का इस्तेमाल करने का, जैसी चाहा था एक गुट्टी लिया था, लेने के बाद मेरी जो है आता इतनी ज़्यादा चुभन हो गई थी कि मैं 3 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान रहा। फिर जो है आज भी 4वां 5वां दिन है, उन तो बहुत कम चुभन है, फिर जो मैंने तो दूध ही छूट दिया, पीने की कोशिश भी नहीं करी। हुन जो है उन्होंने 8-10 दिन गई, मैं तो मतलब 15-20 दिन बाद पीऊँगा, जो कि बिल्कुल चुभन हो गई ना, और धीरे धीरे स्टार्टिंग हूँ। तब मैं दवा भी ले आया था, फिर मैंने उन्होंने पूछी कि मैं ऐसे ऐसे मेडिकल से चुभन की दवा ले बुझ के ले आया, खा मैं ना खा मैं, फिर मैंने अपने मुमेर को फ़ोन करा तो उन्होंने पूछ के बताई, तो उन्होंने कही भी तुम दवा जो है उससे लेकर आयो, पूछ के लेकर आयो, बता के लेकर आयो या फिर ऐसे लेकर आयो। तो मैंने कि मैंने पूरी डिटेल बताई उसे, ऐसा ऐसा हो गई थी 10 दिन पहले 8-10 दिन पहले, और अब मैंने दूध पी लिया, हाथ तुम्हें चुभन है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने जो मुझे दवा दी थी 2 खुराक, तो उन्होंने कही तो आपको जो है दवा बिल्कुल नहीं खानी। फिर मैंने उन्होंने कही नीम नीम के पत्ते चबा के देखो, देखे तो मैंने बहुत कड़वे लग रहे थे, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर जो है कोई दिक्कत हुई नहीं, हूँ जो सुधार है बतेरा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक की बात आई कहनी चाहूँगा कि सप का कटने का कभी भी किसी को पता नहीं चलता कदों कट लगा, क्योंकि उदी जो है बहुत ही बारीक दंद होंगे हैं, इतने बारीक दंद होंगे कि आदमी को पता भी नहीं चलता। जब मेरे इतने उतरा था मैंने पता भी नहीं था कि कट लिया मेरा, वो तो मैं बैठ के देखा नहीं लगा कि हाँ भी कित कट तन लिया ने, क्योंकि मेरे उंगलियां बन उतरा मैंने महसूस होया, मैंने पिछले मुड़ के देखा तो बहुत तेज काले रंग का सप, बहुत बड़ा सप था।
बहुत तेज भजाओ एकदम से उदन आप स्लेप जो दिखाया दूसरी साइड साइड का जंगल है तो उदन वो भज के अपने निकल गया। तो भाई डर दे मारे हवा तो निकली जाती है तुम्हें बताइए पसीना आई जाता बॉडी एकदम पसीना आ जाता बॉडी से अगर कोई ऐसी डर वाली बात होती है तो और कोई डर नहीं लगा था जब तक उन्हें कट्ठा तक खून आ गया तो भी डर नहीं लगा था पर लेकिन मैंने सबसे ज्यादा डर उस टाइम लगा जिस टाइम कि मेरे चाचा ने मेरे अंगूठे के अंदर चीरा मारा और काला खून निकला। हाँ काला खून दादा मतलब देखते ही डरने वाली बात जब मैंने यहाँ सोच लिया था मैंने कभी शायद इतनी दिखती जिंदगी हो गया मिल गया प्लेट देते रहे उनका आया था जहर उन थके जम जाएंगे और ऐसे ही आदमी खत्म हो जाता है क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देख रखी है कि हाँ भी ब्लड दे रहे की सर्कुलेशन होता है था तो ब्लड दे थके जमाना कर स्टार्ट और ब्लड जो है काला पड़ जाता है काला पड़ जाता ब्लड मेरा काला पड़ गया था। फिर की हुंदा है दिल ते पंप नहीं हुंदा ब्लड जब दिल फिर हुंदा है आ सांप दे कटने ते जो मरदा है आदमी आ मरदा है दिल दे दौरे ते हार्ट अटैक ते ब्लड पंपिंग नहीं कर पांदा पंपिंग नहीं हो पांदा फिर नसें फट जांदियां है सांस थके जम जाते हैं थके जम जाते हैं उस वजह से आदमी की मौत होती है। बहुत बहुत वैसे केस आने हैं उत्थे जाए के देखते हैं पता लगता है कि रोज एक ना एक केस आता ही रहता है। हाँ। पर लेकिन मैं उसकी बात मान जाता देखो गुरु ने मनते हैं अपने अच्छी बात है जो भी उन्होंने गुरु है अल्लाह ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड जिन्होंने मनते हैं वो उत्ते बात बता देना उनकी जो साइंस मैंने अलग ही साइंस उसकी आती कि जिस टाइम वो मेरे पर प्रेशर से पानी मार रहे थे ना तो जितने मेरे बंदे थे इतने जो ब्लड ब्लड फ्लो इतनी तेज करके धक्का समा रहा था क्योंकि हाँ भी बस बाहर निकलने तैयार था ब्लड आ कह रहा था इतने इतनी बुरी चुभन हो गई थी ऐसी जगह मेरे इतने इन्होंने बंद दिए थे कि बहुत ज़्यादा कैड़ा करके बंद सा बांध दिया था तो इतने के नीचे जो ब्लड जाने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था जैसे ही उन्होंने एकदम खुला तो मैं मना लगभग मेरा उस टाइम 1 यूनिट के आसपास ब्लड निकल गया होगा लगभग 300 ml तो हूँ भी गूठे ने छू के देखना है तो हल्का सा पटका सा नज़र आता क्योंकि ब्लड की रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती तो आही कंडीशन और मांस दे थक्के भी निकले थे थोड़े बहुत मांस भी निकला था थक्के भी निकले थे और लेकिन पर जब घर कटा था तो इतने काला खून निकला था पर लेकिन जब उठा है उन्होंने मेरे आए बंद खोले कटा हुआ था पहले ही था पर लेकिन उठा रेड जैसा अपना खून होता है साफ सेम साफ खून निकला इतने घर काला खून निकला था पर उन्होंने पूरी टंग का खून बंद लगा के नीचे नु सुत दिया था बावां दे भी इस तरीके हत्ता दे भी इस तरीके से घुमा घुमा के सारा खून निकाल दिया। और उसके बाद मैंने कोई दिक्कत ऐसी पानी ते नुलाया एनो जब ठंड लगनी शुरू हुई हाँ जब पत्ते चकांदे रहे मैंने कि हाँ भी लो टेस्ट करो कैसा टेस्ट है कैसा नहीं लगभग 2.5 से 3 घंटे लगभग उन्होंने लगातार पानी की बौछार करी पानी की बौछार दी शायद एक दो वीडियो मैंने ताऊ के मुंडे ने बनाई दिख दी दिखा देंगे हम इधर ऐड कर देंगे साड़ा एक मैसेज आई था अपनी लैंग्वेज बताया कि हाँ भी जितना भी साड़ा अपना समुदाय है एक अपनी भाषा अच्छी बताने दे कि हाँ भी जी दे किसी दे भी कट्टे था वो एक तरीके से अवेयरनेस रहे उन्होंने कि हाँ भी यदि साड़ी साथ कुछ ऐसा हो जाए तो कि होंदा कि नहीं होंदा। अरे भाई ऐदे भीतर ज्यादा डरने की बात नहीं है कुछ सब ऐसे होंदे हैं जिन्हां दे कटने ते मरदा नहीं है पर आदमी अपनी टेंशन दे भीतर मर जांदा तो भाई ज्यादा मत डरो बस इलाज दा इलाज की कोशिश करो कम से कम समय में इलाज मिल जाए और कट लगा लो उत्थे ही एकदम और बंद आ दो चीजा तो एकदम करनी है एकदम एक गहरा कट जो ज्यादा से ज्यादा खून निकले हूँ इतने आस पास की कहानी की सुनी थी बता रहे थे क्योंकि साढ़े दादा अनुभवी बताते रहते हैं
एक आदमी कि अपनी जुताई करके आ रहा था कल्टीवेटर से, और जो है उधर सपना धो के कट लिया। उन्होंने घर आके बताई अपने कि मेरे जो है सिर दर्द हो रहा है। उधर सपना कट लिया, उन्होंने खुद पता नहीं कदों कट लिया उन्होंने, सिर दर्द हो रहा है अभी मेरे, मैं की करें की नहीं। तो वो कोई बात नहीं, मैंने भी सो जा, गर्मी से कम करके आया, इस वजह से हो रहा होगा। तो वो सो गया, लेट गया, तो उधर लेट नहीं जी 2-1 घंटा जी जो है वो सोंदा ही रह गया मुंडा, उन्होंने पता ही नहीं चली। और बाद में उन्होंने देखा था सारा नीला पड़ गया था मुंडा। तो फिर सबने आई अनुमान लगाया कि हाँ भी खेत कम करके आए थे कि सपना कट लिया। और जितना कट्टा था उससे फिर उधर बाद निशान भी दिखा था, चेक कराओ शरीर में। हाँ तब भाई एदे भीतर ऐसा भी है, सोना नहीं है, सोना नहीं हुंदा कतई भी, नींद आंदी है तकड़ी करके, बहुत बस ज्यादा नींद सोना आती नहीं है, क्योंकि अगर आदमी लेट गया पीछे ने साइड में तो उन्होंने नींद 100% आनी है। आनी तो आनी है फिर। सब अपने जागरूक रहे इस चीज से कि हाँ भाई किसी से कट लिया था तुरंत देख लें, और उपचार दे लिए भी सबसे बेस्ट उपाय था मैंने वही बता दिया। और उससे मैंने सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि विश्वास मैं ना मैंने था ना मेरे परिवार ने था पूरे ना मेरे पूरे गाँव में था, सबने आ गई थी कि भी जहर का कट्टा असर जो है वो गोली तो सही होंगे, आदमी तंत्र मंत्र दे कोई ठीक नहीं होंगे। लेकिन तो भाई भाई उन्हां दे साथ साथ तंत्र मंत्र तो है ही, उन्हां दे उन्हां दा एक साइंस भी है जो बॉडी पे पानी मारते हैं बंद लगाने के बाद, तो बॉडी दा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो बंद नू खोल देते हैं और फिर बॉडी हाँ के भीतर बॉडी ते वो दे ब्लड ब्लड निकलता, जो होंगे फिर वो सारा एक तरीके से फ्लो हो जाता फ्लो बह हो जाता। जाता। हाँ तो उदा जो एक कट लगा होया है उत्थे नू सारा खून निकल जाऊ। तो उदा यह एक बेस्ट पॉइंट है कि हाँ भाई थोड़ा जितना ब्लड है वो फ्लो हो गया, जो कि हाँ गंदा है और गंदा जी दे भीतर जिसमें जहर भी मिला था जहर होया। मिल गया। और मैं मानना सबसे ज्यादा वो ही मेन मेरा पार्ट वो ही रहा कि हाँ भाई जिस टाइम उन्हें कट्टा इन्होंने घरदा ने ही इतना सोना कट लगा दिया था कि लगा लो गहरा कट अगर लगा दिया एकदम निशान इतना पूरा लंबा हुन भी है गार आज जो अच्छे से लगा अच्छे तक कट लगवाया है। पूरा आता, मैंने लगता हाँ हड्डी तक पहुंच गया हूँ, हाँ हड्डी तक पहुंच गया था, और जिस हड्डी के टाइम ऊपर ही रहती है ना हाँ इतने ऊपर ही तक। रहती है, और जिस टाइम उन्होंने मारा था तब एकदम बहुत ज़्यादा खून निकला काला काला खून निकलने के बाद ना फिर जो है उत्थे ही ज़्यादा ब्लड दी साथ जो काले खून दी साथ जो जहर उदा निकल गया। चलो तो भाई ध्यान रखियो, ठीक है मैं नंबर ऐ दे भीतर डाल दूंगा। ना कि हाँ हाँ भाई थोड़े आसपास या थोड़े साथ ऐसा होंदा तो अपने एकदम कम से कम समय के भीतर अपने बंद लगा लिया, और सबसे पहले कट लगाए के एक गहरा सा, और अपने उत्थे ही पहुँच जाओ जल्दी से जल्दी। बस आई वो है आई जानकारी देनी थी। तो भाई सारी बने बताई दी है, और भाई ने अपने बताई दी की होया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के भीतर, कितने या तो ट्रैवलिंग का ब्लॉग हुआ या फिर हम पर्सनल ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि भाई का भी पर्सनल चैनल है मेरा भी चैनल दोनों दे। भाई का भी चैनल है, ऐसी लिंक भी डाल दूंगा मैं हाँ तो ठीक डिस्क्रिप्शन के भीतर। है, नहीं हम जो भी भाई का भी ब्लॉग हुआ उन्होंने भी देखो अपने आगे नु साड़ा भी चैनल है उन्होंने भी देखियो देखो सब। व्लॉग व्लॉग आंदे रहेंगे दोनों दे, देखते रहो आराम से, इस सारी चीज़ें टाइम आप दिखाएंगे। मेरे घर बैठा है अच्छा मेरे गांव अपने। का ही है, मेरा गांव है भैड़ा भरतपुर, आ पट्टी दा है, मतलब एदा नाम लगदा है भैड़ा भैड़ा भरतपुर, पट्टी। क्योंकि पट्टी कागजात है ही नहीं कितने भी, तो हाँ एक छोटा सा गांव बस चार गया सौ जट्टा मीटर का। है, 400 मीटर है, जट्टा दे ही गांव है और कोई नहीं है इत्थे। हाँ तो बस था आई चलो फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं टाटा बाय। बाय बाय।